नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से सोना कैसे लाया जाता है। जी हाँ, और कैसे लाया जाता है लाने वाले वो सब कुछ पता होता है, तो आप रिस्क लेके गोल्ड लेके आते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे दुबई से पंजाब अमृतसर। जी हाँ, 10 लाख रुपए का गोल्ड पकड़ा गया एक बंदे से। और देखिए हरकतें देखिए कितना, मतलब इतना इंजीनियर को में भी दिमाग नहीं होता कि यार ये गोल्ड का तरीका क्या है लाने का। सोचने की बात है कि एक बंदा दुबई से निकलता है, ट्राली होती है आपको पता है, ट्राली बैग जिसमें आप सामान डाल के लाते हैं, जिनके टायर होते हैं, जिसको हाथ में लेके चलते रहते हैं, सिंपल चीज़ आप सब लेके आते हैं और बहुत सारे लोग आराम से। लेकिन देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं लोग जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, और ये जुगाड़ मुझे जहाँ तक लगता है यार, जो जिनसे गोल्ड आप खरीदते हो ना दो नंबर में इंडिया लाने के लिए, वही लोग आपको ये जुगाड़ बता देते हैं। जी अब देखिए, ये बंदा पंजाब दुबई से निकला, पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंच गया। जी हाँ, लेकिन इसकी हरकत ने इसको पकड़ा दिया। अब कैसे हरकत थी, देखिए जो आदमी कभी काम नहीं करता गलत और उसको अचानक से ऐसा करने लग जाए कि यार चलो लेके चलते हैं, लेकिन वो कितना भी चाहे वो सामान को जब्ती के साथ ईमानदारी के साथ कि पता ही नहीं लगेगा हम आराम से निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तो दिल की धड़कन है ना, ये आंखें बता देती हैं कि ये बंदे मामला कुछ गलत है। और इमिग्रेशन अधिकारियों की आंखें भाई बाज की तरह होती हैं, उनके टारगेट ही आप लोग होते हैं एयरपोर्ट वाले। जी हां, ये बंदा अपनी ट्राली को लेके हुए चल रहा था, लेकिन एसएस था। जी हां, एसएस का मतलब घबराहट थी मन में, बंदे को शक हो गया इमिग्रेशन अधिकारियों को, आ जाओ जी इधर साइड में, पकड़ लिया, पकड़ के उनकी तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला, बैग को देखा कुछ नहीं मिला, नीचे फिर नीचे पहुंच गए वो, तो टायर को देखा तो टायरों को खोला तो देखा कि टायरों के अंदर जो एक लिंक उनका होता है ट्राली के साथ में टायरों का, उनकी जो उनके अंदर एक नट टाइप का डलता है वो गोल्ड के बना लिए। अब बताओ वो अंदर फंसा दिए, पता ही नहीं लगता, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कैसे पकड़े जाते हैं लोग। लेकिन भाई इमिग्रेशन वाले आपसे ऊपर, आप उनसे ऊपर, लेकिन लास्ट में आप नीचे वो आपके ऊपर, एयरपोर्ट का नतीजा। हालांकि लोग निकलते हैं, नो डाउट मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं 100%, रोज लोग निकलते हैं, मामले बहुत कम पकड़े जाते हैं इक्कू दुक्के, बाकी लोग निकल जाते हैं। जी हाँ, ये पहिए के अंदर जो आपको पता है टायर होता है ट्रॉली का, उसके अंदर गोल्ड को छुपा के लेके आ रहे थे, आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बंदा पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया, सोना जब्त कर लिया गया, आगे पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया, ये स्थिति है। बता दूं ये मामले ऐसे नहीं है, हर रोज गोल्ड पकड़े जाते हैं। दुबई से एक बंदा 1 किलो गोल्ड का लिक्विड बना के लाया था, बोतल में भर के, जैसे पानी भर के लोग लाते हैं ना। अब गोल्ड भी एक एक बात है यार, मानना पड़ेगा, गोल्ड को जैसा चाहो आप आकार दे सकते हो, लेकिन वो रहेगा अपनी स्थिति में, आप उसका कुछ भी कर लो, कैसे भी बना लो, डाल लो, पानी बना लो, रोटी बना लो, सब्जी बना लो, पता नहीं क्या क्या लोग बना के लेके आते हैं, लेकिन लास्ट में निकलेगा वो गोल्ड ही 100%, ये तय है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो ये एक अच्छी बात है, एक बंदा 1 किलो गोल्ड को लिक्विड यानी पानी बना के बोतल में डाल के भर के, बताओ दुबई एयरपोर्ट पे, इंडिया जो दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था दुबई से आते हुए। ये मामला है 4 नवंबर का। बता दूं 21 नवंबर को भी एक बंदा पकड़ा गया था, 140 किलोग्राम का, जी हां, गोल्ड था, उसको पेस्ट बना के पेंट में छुपा लिया, चिपका लिया बॉडी के अंदर, पेंट के अंदर पेस्ट बना के चिपका लिया ताकि स्कैनर में आए और जो डिटेक्टर से निकले तो पता नहीं लगे। जी हां, लेकिन पकड़ा गया। 4 अक्टूबर को भी एक बंदा 1 किलो पेस्ट बना के अंडरवेयर में छुपा के लेके आ रहा था, लेकिन चाल को देख के उसको शक हो गया इमिग्रेशन अधिकारियों को और उसको पकड़ लिया गया। जी हाँ, रेल में भी इसी तरीके से 181 ग्राम बना के गोल्ड पकड़ा गया था, जो तार बना के गोल्ड को तार बनाया, फिर प्लास्टिक में डाला, उसका रबर चढ़ाया, लेकिन फिर भी वो बंदा स्कैनिंग में पकड़ा गया। जी हाँ, कभी जूते में लोग छुपा के लेके आते हैं, कभी शरीर में छुपा के लेके आते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में लोग छुपा के लेके आते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। तो ऐसा काम न करें साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे। इंडिया में भी है गोल्ड, ऐसी बात नहीं, और आपको लगता है तो भैया 50,000 तक तो आप आराम से निकल सकते हो, 1 लाख रुपए का तो कितना का आता है, एक सोने की चेन गले में डाल के लेके आ जो 1 लाख रुपए का बन जाती है, लेकिन आप उसको ज़्यादा लेके आप गलत तरीके से लेके आते हो तो भाई पकड़े जाओगे, नो डाउट, तो आपकी दिक्कत होने वाली है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीजन करके साथ। जय हिंद।